अंजना जी, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, 13 अप्रैल 1919 को 379 लाश जलियांवाला बाग कांड में गिरा था, जनरल डायर ने गिराए थे। एक सरदार उसका बदला लेने के लिए हिंदुस्तान से निकल पड़ा और 1927 को जाकर के 24 जुलाई को जनरल डायर को नींद सुला दिया मौत की। आज एक सरदार बैठ करके राजनीति कर रहा है इमरान खान के साथ, क्रिकेट खेलते खेलते पता नहीं कहां से चला कहां चला गया। चुल्लू भर पानी में उसको डूब करके मर जाना चाहिए। हिंदुस्तान को 1947 के बाद हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होती है चमन में दीदावार पैदा। बेनूरी पे जब नरगिस रो रही थी, नरगिस एक फूल का नाम है, तो मोदी एक पैदा हुआ जिसने एहसास किया कि हां ये भारत रो रहा है। मैं अपनी आंखों में आंसू लेकर के नरेंद्र दामोदर मोदी को कहना चाहता हूं, मोदी तुम मेरी आयु ले लो पर तुम 1919 नहीं, 2019 नहीं, 2024 के भी चुनाव में आओ और देश को बचा लो। सवाल क्या है, सवाल क्या है सर, सवाल क्या है? नहीं, नहीं, हमारी बेटियों के मांग, हमारी बहनों के मांग, हमारी माताओं की गोद सुनी होते चली जा रही है और ये कन्या राजनीति कर रहे हैं। अंजना जी, मैं सवाल और लेती हूँ, लेकिन त्यागी जी मुझे लगता है कि आपको दोनों ही बातों को एड्रेस करना चाहिए। देखिए, आपका वो कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, बिल्कुल ये कह रहे हैं कि सही नहीं। देखिए, हमने जो सवाल उठाए इसलिए सवाल उठाए कि आज वो 45 लाल जो देश पे शहीद हुए हैं वो भी भारत माता के सच्चे सपूत हैं। क्या उनकी शहादत व्यर्थ जाएगी? क्या उनकी शहादत पे ये पूछा नहीं जाना चाहिए कि जिस आरडीएस से उनका शहादत हुई वो आरडीएस कैसे आया, इसके बारे में सवाल नहीं उठने चाहिए? क्या इंटेलिजेंस फेलियर पे सवाल नहीं उठने चाहिए? क्या ये बात सवाल नहीं उठने चाहिए कि किस तरह से भारत की सेना के सीआरपीएफ के जवान हमारे एयरलिफ्ट चाहते थे, उनको मना कर दिया गया, क्यों मना किया गया, क्यों प्रधानमंत्री जी ने होने नहीं दिया, क्यों रक्षा मंत्री ने होने नहीं दिया, और क्यों, मैं पूछना चाहता हूं, क्यों गृह मंत्री जी होने नहीं दिया? लास्ट सेंटेंस कहता हूं, जब आप सत्ता में थे तो क्या सीआरपीएफ का काफिला सिर्फ हवाई हवाई रास्ते से जाता था? विकास जो है, मजाक कर रहे हैं, सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इस देश की सेना के लिए क्या इंतजाम किए गए? मेरे सवाल को छोड़कर आगे मत बढ़िए। मैं बहुत विनम्रता से, हर कांग्रेस का प्रवक्ता खाली फोटो दिखा रहा है, विनम्रता से फोटो नहीं दिखा रहा। अगर आपने फोटो नहीं दिखा रहा हूं, नहीं, अगर आपने एसओपी बना दिया होता तो सीआरपीएफ का काफिला उसी हवाई सफर से आ जाता। हमने तो लेकिन कोई ऐसा एसओपी ना आपने बनाया, नहीं उन्होंने उसके बाद देश को वो माहौल दिया हमारी गवर्नमेंट्स ने कि आज हमारे पास विश्व में चौथे नंबर की ताकतवर सेना है। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, लास्ट सेंटेंस बड़ी विनम्रता से, गुजरात भाजपा के नेता ने कार्यकर्ताओं से कहा कि देश में राष्ट्रवाद की लहर वोटों में बदलो। क्या वोटों में राष्ट्रवाद बदला जाएगा? राष्ट्रवाद होता है देश की सेना को बेहतर सुविधाएं देना, राष्ट्रवाद होता है देश की सेनाओं को उपकरण देना, राष्ट्रवाद होता है देश के किसानों को बेहतर दाम देना, राष्ट्रवाद होता है देश के नौजवानों को रोजगार देना, राष्ट्रवाद होता है देश का विकास करना। राष्ट्रवाद सिर्फ थोते नारों में नहीं चलेगा, राष्ट्रवाद सिर्फ इस बात में नहीं चलेगा कि हम लोग बाग यहां बैठ करके कहें पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान को ठोकना पड़ेगा, ठोको ठोको ठोको, ठोकने से काम चलेगा। और ये जो राजीव त्यागी जी, 26/11 के बाद ये पता चला कि बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं है उनके पास। 26/11 के बाद अच्छा पता चला कि क्या व्यवस्था है। आप देश की बड़ी आप अगर ऐसा कुछ कर दिए होते चमत्कार, तो आज इनके हाथ देश की बड़ी पत्रकार है आप, छीन लिया। ये तो बहाने हैं सिर्फ, ये नाचना जाने आंगन टेढ़ा कि हमें तो पिछली सरकार ने किया था। आप देश की बड़ी एंकर है, बड़ी पत्रकार है, आज प्रश्न उठ रहा है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। 26/11 जब हुआ था, गुजरात के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर मोदी जी जाके बंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, जो सवाल मैंने यहां दिखाए हैं, वो राजनीति नहीं थी। ये राजनीति नहीं है, सेंटेंस कहना चाहूंगा, ये राजनीति नहीं है कि आप बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए, ये राजनीति नहीं है कि आपने ISI को पठानकोट बेस पे बुला लिया, ये राजनीति नहीं है कि आपने भारत की महान सेना को पाकिस्तान के सैनिक युद्धभ्रष्ट करने का काम किया, ये राजनीति नहीं है। आतंकी हमलों के बाद आपने तो 7 दिन की भी चुप्पी नहीं रखी थी संबित पात्रा जी। आराम से अंजना जी, पहली बात तो मैं एक बात को ऑब्जेक्ट करता हूं, बड़े शांति से देखिए, आज बहुत शांति से डिबेट होना चाहिए। इन्होंने कहा, मेरे भाई राजीव जी ने कहा कि अभी जो सेना है उसके पास ऑब्सोलीट वेपन्स हैं, मतलब अच्छे वेपन्स नहीं है, ऑब्सोलीट वेपन्स है, उनके पास जूते तक के पैसे नहीं। मैं यहां ऐलान करता हूं कि सबसे मॉडर्न वेपन है, सुने पाकिस्तान, पाकिस्तान ये ना सोचे हमारे पास हथियार नहीं है, पाकिस्तान ये ना सोचे हमारे आर्मी के पास जूते नहीं है, अव्वल दर्जे की आर्मी है, जूते इतने हैं कि इमरान खान तक को जूते खिला के हमारी आर्मी 1964 के बाद इतने जूते हैं। 1964 के बाद जीडीपी के मुकाबले आपने जो परसेंटेज ऑफ बजट दिया सर, मैंने कम है।
राजीव जी देखिए ये कहना कि हमारी यही पाकिस्तान कह रही है, पाकिस्तान कह रही है कि कमजोर आर्मी है, इनके पास हथियार नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये मत कहिए कि हमारे पास हथियार नहीं है, और अगर हथियार नहीं है तो आपने 70 साल तक हथियार दिए क्यों नहीं? क्यों नहीं दिए 70 साल तक हथियार? जो अभी हथियार नहीं है, जूते क्यों नहीं दिए? जो अभी बोल रहे जूते नहीं है। अब सुन ली, अभी रुक जाइए, मैं कंप्लीट कर लूं, पूरा कर ले, मैं पूरा कर लूं सर, लड़के नहीं, आराम से, आराम से करिए, आराम से करिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, किस बात की लड़ाई हो रही है? इतनी बड़ी बात अभी जो अफसर हमारे यहां मौजूद है उन्होंने क्या कहा? इंतजार करिए, आप कह रहे ना पाकिस्तान को ठोको ठोको ठोको, आपने यह भी कहा ना टीवी चैनल में नहीं ठोका जाएगा, होगा एक दिन, सुबह उठ के आप देखेंगे ठोक दिया गया है पाकिस्तान, वो आप देखेंगे एक दिन। मगर मैं इतना कहना चाहता हूं, तब तक तो मोदी जी के साथ खड़े हो जाओ भैया। मोदी जी बीजेपी के नहीं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान के। एक बात अब मैं जवाब देता हूं, बहुत एक आप जवाब सब देना, आप बहुत देर बोल रहे थे, मैं सुन रहा था सर, आप बहुत देर बोलना मैं सुनूंगा। मैं तो राहुल जी पे एक शब्द नहीं बोल रहा हूं, मैं मोदी जी पे एक शब्द नहीं बोल रहा हूं। नहीं, ठीक बात है, अभी मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं मोदी जी पे, कि जिस टाइम देश सेना के जवान शहीद हो रहे थे, वो ढिकाला में शूटिंग कर रहे थे, मैं नहीं बोल रहा हूं। ठीक, आप बोलिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, सब दुनिया देख रहे हैं। देखिए अंजना जी, पूरी दुनिया सब कुछ ऑब्जर्व करिए, आजकल युद्ध केवल हथियारों से नहीं होता है। टीवी चैनल में क्या चल रहा है, नैरेटिव क्या बन रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसीज में किस प्रकार से मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस चुना गया, जानते हैं? टमाटर 325 रुपए किलो बिक रहा है पाकिस्तान में, हाहाकार मची पड़ी है। कल पानी बंद कर दिया गया, बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान, बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। यूएनएससी ने हमारे पक्ष में विषय रखा है, हर स्तर पे पाकिस्तान को अटैक किया जा रहा है। मैं एक बात पूछता हूं, इनको खुशी होनी चाहिए या दुख होना चाहिए? इनको खुशी होनी चाहिए, दुख? ये तो दुख मना रहे हैं, हम वहां पाकिस्तान को अटैक करते हैं, ये हम पे अटैक करते हैं, मैं किस पे अटैक करूं? देखिए अंजना जी, पे अटैक करें या हम इन पे अटैक करें, बताइए आप। जवाब दे दूं, छोटा सा जवाब में लोगों के भी। अब देश जब आजाद हुआ था सन 48 में, पूर्ण युद्ध पाकिस्तान से भारतीय सेना ने लड़ा, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। सन 65 में पूर्ण युद्ध पाकिस्तान के साथ लड़ा गया, लाल बहादुर शास्त्री साहब देश के प्रधानमंत्री, कांग्रेस से हुआ करते। आर्थिक थाली लाओ, गांधी परिवार की आर्थिक करूंगा। में पूर्ण युद्ध लड़ा गया, इंदिरा गांधी जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते, कांग्रेस हुआ करती थी, और इंदिरा गांधी जी को दुर्गा गांधी परिवार आर्थिक थाली लाओ, बिहारी वाजपेयी दुर्गा कहने का काम किया, घड़ियाल लेके आओ, मैं आर्थिक करूंगा गांधी परिवार। मेरे मित्र उनसे पूछना चाहता हूँ, सारा कुछ नेहरू जी, इंदिरा जी, रसोईया जी, राजीव, और कुछ नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम नहीं लिया। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि हम जी का नाम लिया है, निर्मला सीतारमन जी जो देश की रक्षा मंत्री हो, क्या कहती हैं? सीतारमन क्लेम्स नो टेरर अटैक्स इन इंडिया सिंस 2014। शुरू हो गया 2014 से, कोई अटैक नहीं हुआ था, उरी नहीं हुआ था, पठानकोट नहीं हुआ था। देश की सेना की शहादत होगी तो सवाल पूछे जाने चाहिए। हमारे समय भी शहादत होती थी, लेकिन शहादतों में जितना इजाफा हुआ है, जिस तरह सीज फायर वायोलेशन पाकिस्तान कर रहा है, आप यहां बैठ करके टक्कर दे रहे हो संबित पात्रा, जितनी गाली मुझे देने में लगा रहे हो ना, इतनी एनर्जी अगर पाकिस्तान को ठोकने में लगाती सरकार तो बेहतर होता। नहीं, सत्तर साल में गांधी करते रहते हो, मैं तो ये काम करी जो करने का काम है। थैंक यू मैडम, आपने मेरे को सवाल पूछने का, मैं लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में आया था, मैं जो लास्ट टाइम और आज के प्रोग्राम में देख रहा हूँ, सबसे ज्यादा मुद्दा उठ के आया था 370 का। अभी मैं संबित जी को ये पूछना चाहता हूँ, ये सही वक्त है कि आप 370 का प्रस्ताव लेकर आए, हम लोग देखेंगे, देश का जनता देखेगा कौन इसके साथ है और कौन देश के साथ इसके साथ नहीं है। सबसे बड़ा मैम, पहले मैं जितने भी हमारे शहीद हुए जवान, उनको श्रद्धांजलि है आपकी ओर से, हमारी जनता की तरफ से। मुझे आज गुस्सा आ रहा है, मैं कोई कार्यक्रम वो नहीं हूँ। आज ये कहते बिरयानी खाने गए थे, वो कहने, मैं पूछता हूँ, इनके हुर्रियत के साथ नेता मिलने गए थे, चार पाकिस्तान गए थे, उन्होंने कहा क्या क्या, आज पाकिस्तान खुश किस लिए? आज इरमान इसलिए खुशी है कि आज उनके जो सैनिक है, जो ऐसे वो बैटिंग कर रहे हैं और वो बॉलिंग कर रहे हैं और भारत में खुश हो रहा है देखे इनकी लड़ाई। मेरा सवाल दोनों से, राजीव सर आपसे और संबित सर आपसे भी, कि मैं ना तो मैं मोदी भक्त हूं ना मैं गद्दार हूं कांग्रेस के साथ होकर, और मैं सीधी सी बात एक बता दूं, एक सेकंड होल्ड ऑन, मैं बात क्वेश्चन मेरा दोनों से ये ऑन रिकॉर्ड, मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूं, आप लोगों से ऑन रिकॉर्ड एक प्रॉमिस चाहता हूं कि दोनों एक प्रॉमिस कर रहे हैं देश के अंदर कि जब तक यह कुछ बदला ना हो जाए भगवान के लिए राजनीति मत करो। मैं आपको करना है, मैं संबित के पास जाता हूं और संबित को गले लगाता हूं इस बात के लिए। आइए, संबित गले लगते हैं, हम लोग बात गले लगते हैं, गले लग करके कागज सारे फेंक दीजिए, मैं गले लगता हूँ। बिल्कुल सारे फेंक दीजिए, अभी नीचे फेंकिए उसको, सारे फेंक दिए,
यहाँ फेंकिए, वहाँ फेंकिए, ये वो दीजिए मुझे, भारतीय जनता पार्टी दीजिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो भी है, दीजिए मुझे। जिस मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था पाकिस्तान को माकूल जवाब देंगे, लेकिन सवाल शुरू हो गया ना, आपने हाथ जोड़े कहा था शुरू हो गया। ये लीजिए मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो दे दीजिए, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, नहीं पढ़ने दीजिए, हो गया पढ़ने, चलो हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, पढ़ लो ना, हो गया हो गया, पढ़ लो ना संबित, पढ़ो पढ़ो नंबर पेज पढ़ लो ना, ये संबित, ये लीजिए संबित, ये राजनीति नहीं करेंगे। आप जहाँ खड़े हैं पीछे अमर जवान ज्योति है राजीव जी, संबित जी, थैंक यू, पीछे अमर जवान ज्योति, पढ़ लीजिए संबित और जवाब दीजिएगा इसके बारे में, थैंक यू आपके लिए, थैंक यू थैंक यू आपके लिए, नहीं मैं तो ये पढ़ लूंगा, सुनिए 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 अंजना जी, मैं ये पढ़ लूंगा, ये जरा इमरान खान का दिल पढ़ ले प्लीज, इमरान खान का दिल पढ़े, हम ये पढ़ लें, ठोक दो इमरान खान को, ठोक दो अजहर मसूद को, ठोक दो दाऊद को, दाऊद को लाने का वादा किया था, क्या किया वादे में, अरे लाओ ना, आपने वादा किया था ठोक दो ना, हम तो कह रहे ठोक दो, अरे सब तो हम ही ठोकेंगे क्योंकि आपने किसी को नहीं ठोका ना, अरे हमने सबको ठोका, हमने तो पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए संबित पात्रा, दो टुकड़े करने का काम किया, जल्दी से एक दो रिएक्शन फिर आपकी, अंजना जी राजीव जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस अवसर पर इस तरह की बातें न करें आप दोनों लोग संबित पात्रा जी से भी, देश इस समय पूरा देश जो है बदला चाहता है, पूरा देश ये चाहता है कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, पाकिस्तान और राजीव जी, बिल्कुल